दाभोलकर हत्या में जब उनकी हत्या होती है उसी दिन दो लोग गिरफ्तार होते हैं और उनके वो नॉन आर्म्स डीलर हैं वो दोनों लोग, और वो अनरिलेटेड केस में, उस केस में नहीं गिरफ्तार होते हैं, दूसरे कोई केस में गिरफ्तार होते हैं। कुछ महीनों के बाद ऐसे फॉरेंसिक्स को मालूम पड़ता है कि इनके पास जो हथियार मिला है वही हथियार है या हो सकता है जिससे दाभोलकर की हत्या हुई थी। अब आपके पास में दो लोग गिरफ्तार हैं, आपके पास में जो वेपन है वो भी है, लेकिन आप इन लोगों को चार्जशीट करते नहीं हैं, आप ये दोनों लोगों को छोड़ देते हैं और आप दो ऐसे हिंदुनिष्ठ कार्यकर्ताओं का नाम लेते हैं जो ऑलरेडी 5 साल में दूसरे कोई केस से मिसिंग है। तो जाहिर है आप ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं जिनको आपको मालूम है जो मिलने नहीं वाले हैं, ठीक। अब इनको चार्जशीट भी कर दिया जाता है, लेकिन और 2 साल के बाद में आप दूसरे दो लोगों का नाम लेते हैं जो ये दो नहीं हैं और बोलते हैं नहीं वो दोनों ने नहीं किया था और ये दोनों ने किया है क्योंकि अभी ये हमारे हाथ में लगे हैं, है ना। और ये दोनों लोग भी कोई अनरिलेटेड केस में अरेस्ट हुए हुए लोग हैं, इनके पास से जो बंदूक मिला है वो उन्होंने बंदूक जो है वो समुंदर में थाने की खाड़ी में उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अब आप ये समझिए, एक तरफ से आप कहते हैं कि हथियार हमारे पास में पड़े हैं, दूसरे तरफ से आप कहते हैं कि जो हथियार हैं वो पुणे में छोड़ दिए गए थे, जो दूसरे जो पहले चार्जशीट में कहा गया, तीसरे तरफ से आप कहते हैं कि हथियार तोड़कर समुंदर में फेंक दिए गए हैं। कितने हथियार थे? नॉर्वे से डाइवर बुलाए जाते हैं और वो कूदते हैं, कई महीने ढूंढते हैं, उसके बाद में वो एक हथियार निकालते हैं पानी में से जो साबुत हथियार है, यानी पानी के नीचे जो हथियार को टुकड़े टुकड़े करके फेंका गया था वो बंद पीस में मिला है। ये जांच जो है ये पूरी तरह से बर्बाद किस्म की है। और ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसका पहले दिन से किसी ने कोई प्रयत्न नहीं किया कि किसने एक्चुअली मर्डर किए हैं ये जानने के लिए। इसका राजनीतिक कारणों से इसका दुरुपयोग किया गया है। एक वातावरण यहाँ पे ऐसे बनाया गया कि गांधी की हत्या नथुराम गोडसे ने की, ये सब देश की सबसे बड़ी भयंकर घटना थी, लेकिन उसके बाद हमारा संविधान टिका रहा, देश में शांति बनी रही, कुछ भी अलग गलत नहीं हो रहा था, और इस शांति के वातावरण में अचानक दाभोलकर की मर्डर हो गई, अरे कितनी बड़ी भयंकर बात है। फिर पानसरे हो गई, कलबुर्गी गौर, अरे क्या चल रहा है। तो कोई एक्टर बोलने लगा देश में बड़ा भयंकर वातावरण है, मुझे देश के छोड़ के जाने की इच्छा हो रही है। यही सब हम पढ़ते रहे। अब कहीं पर तो दूसरी साइड भी देखेंगे भाई, तो भाई ये भी तो पूछना पड़ेगा कि कम्युनिस्टों ने कितने को मारा। ये सवाल कभी हम पूछते हैं? ये सवाल मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये सवाल पूछिए कि कम्युनिस्टों ने भारत में कितने लोगों को मारा, कम्युनिस्ट में इस जग में कितने लोगों को मारा। कम्युनिस्टों ने जो मारी हुई जागतिक संख्या है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। और अब हम भारत में आएंगे, हम वेस्ट बंगाल में क्या हो गया बाजू में रखते हैं, केरला में जो हो रहा है उसे भी बाजू में रखते हैं, हम सिर्फ नक्सलवादियों की बात ले लेते हैं। और नक्सलवादी कोई अलग चीज नहीं है, क्षमा करें, नक्सलवादी वही कम्युनिस्ट है। ये एक धोखा है हमारे ऊपर थोपा गया, कम्युनिस्ट बोलेंगे वो नक्सलवादी है, हम कम्युनिस्ट है, हम अलग है वो अलग है। आपने कभी ये सुना है कि किसी नक्सल हमले के लिए कोई कम्युनिस्ट शोक सभा लेते हैं, कोई कम्युनिस्ट खड़ा होकर बोलते हैं कि ये गलत चल रहा है, कभी सुना है? वो कभी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हम अलग है वो अलग है, और कहीं से ना कहीं उसी चीज़ों को समर्थन देंगे। नक्सलवादियों ने भारत में जो लोग मारे हैं उनकी संख्या 14,000 से ज़्यादा है। तो एक कंपैरिजन ये है कि आपको 14,000 लोगों की जाने बड़ी नहीं लगती, आपको सिर्फ 4 लोगों की जाने बड़ी लगती है। आज मेरी कई मुसलमानों से बात हुई है, वो कदम तैयार बैठे हैं, हमको घुटन हो रही है इस्लाम में, हम तो हिंदू बनना चाहते हैं पर हमको डर है कि हमारे मौलाना हमको मार डाले। आपको उनको मौलानाओं के चंगुल से निकलना पड़ेगा, वो डर समाप्त करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अगर तुम घर वापसी करते हो तो तुम्हें सारा संरक्षण हम देंगे। कश्मीर का मुसलमान, मेरी व्यक्तिगत वार्ता हुई है, चुपचाप कहता कहिएगा नहीं मेरा नाम ना आवे, हम तैयार हैं, हमारे पूर्वज तो आप लोग हैं, हमको घुटन हो रही है
पर डर है कि अगर हम आ गए तो हम बचेंगे नहीं। ऐसे ही यूपी के कोने कोने से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से आज इस्लाम में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? जो घुटन की वजह है हम उसको समाप्त करने जा रहे हैं। क्या नारा दिया? यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। अरे भाई, जो आदमी अंधकार की दुनिया में रह रहा है, घुटन महसूस कर रहा है, तिल तिल के मर रहा है, वहाँ की औरतें बच्चों में, जैसे ईरान में हिजाब जलाने की कार्रवाई शुरू हुई, वो यहाँ की महिलाएं भी उसी रूप में जल रही हैं। आप चाहते हैं उसको समाप्त करना? इसीलिए मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू विरोधी होगा। आप उन लोगों को ला देंगे नई रोशनी में, जिन्होंने नई रोशनी देखी नहीं है, उन्हें देखना चाहते हैं। हमारा जो संविधान है वो भी कमाल का है, हमारे कानून भी कमाल के हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लो, आप किसी को कोई दान देते हैं तो एक गिफ्ट डीड बनता है, दान पत्र बनता है, ठीक है? अगर हिंदू दिए तो वो राइटिंग में होना जरूरी है, मुसलमान ओरल भी मौखिक रूप से भी दान दे सकता है। मेरे मित्र जो है सब एग्री होंगे यहाँ पर, क्यों भाई? ये मुस्लिम को ये अधिकार क्यों दिया गया, हिंदू क्यों नहीं दे सकता? यानी इतनी विषमताएं हैं कानून में, हिंदुस्तान के पूरे कानून जो ब्रिटिश जमाने से चलते आ रहे हैं वो जो है कबाड़ खाने में डालने लायक है। एज ए रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट मैं बोल रहा हूँ, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कानून की वजह से ही आज इतनी दरार पड़ी हुई है कम्युनिटीज़ के बीच में। नहीं तो कानून अगर अच्छा रहता, प्रभावी रहता, गुनहगारों को इमीडिएट सजा करने का प्रावधान रखता, इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, मालूम है? कोई आज एक ऑफेंस हुआ, किसी का मर्डर हुआ, किसी का चीटिंग हुआ, कुछ भी हुआ, पुलिस चाहे तो 25 वर्ष तक इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है। हमें कानून जो मिला है विरासत में अंग्रेज़ों से, वो एक वेस्टर्नाइज ज्यूरिसप्रूडेंस के बेसिस पे मिला है, जहाँ पे आपका प्रमाण सिर्फ और सिर्फ आपने मटेरियलिस्टिक एंड गोल्स को प्राधान्यता देता है, कि आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको कहीं दिखने को नहीं मिल रहा था 2014-15 के पहले, वो तो मैंने कहीं किसी सीनियर एडवोकेट के पास देख लिया था, तो तब से मेरे को कोशिश करने पर 8 साल के बाद एक कॉपी मिला है, तो ये अवेलेबल भी नहीं करने दे रहे हैं। तो ये सोचिए कि कितनी गहरी विचारधारा है। अगर हमारे सत्य पे और हमारे संस्कृति पे अगर प्रहार हुआ है तो 1000 सालों से हो रहा है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और हम झेलते रहे। सनातन में जो है हम सच को खोजते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसे ख़त्म नहीं होता है, बना वेस्टर्न या फिर दूसरे इम्पोर्टेड वे ऑफ लाइफ या आइडियोलॉजीज या थियोक्रेटिक स्टेट्स हो उससे कंपेयर करेंगे, वहाँ पे उनका किताब एक बार छप गया तो छप गया, आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो सर कट सकता है या फिर इंक्विजिशंस हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो प्रति है ही नहीं है। हमारे यहाँ वाद संवाद चलते रहता है, उसी वाद संवाद से निष्कर्ष निकलते हैं और हम उससे सच की ओर अपनी पयन शुरू करते हैं, और जब तक सांस चलती रहती है हम उसी के ओर चलते रहते हैं। सच की जो लड़ाई होती है, जो धर्म की लड़ाई है, हमारे लिए सच और धर्म अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो हो यतो धर्मस ततो जयः, ये 11 बार आता है महाभारत में। हम सनातनी हैं, वो रहेंगे, जब तक ये देश रहेगा तो हम लोग रहेंगे और सनातन भी रहेगा।
ये लड़ाई हमको थोड़ा प्रॉब्लम में डालने का काम करेगा। हिंदुत्व का कार्य जो करते हैं उनको अभी दिक्कत है। हाँ है, ये तो दिखता है, लेकिन हिंदू ये शब्द जो हम बोलते हैं तो रोमांच हो जाता है। हिंदू टफ है, बहुत टफ सिचुएशन में जाने के लिए टफ लोगों को ही जरूरत है। सियावर रामचंद्र की जय। हिंदू जब भी एक काम करने के लिए निकलता है तो पहले गुरु को वंदन करते हैं और प्रार्थना करके निकलते हैं। तो जब गुरु हमारे साथ है तो दुनिया का कौन सी ऐसा शक्ति है जो हमें रोक सके। जो मेरे ऊपर फायरिंग हुआ था वो गोली मेरे छाती से एक आधा फीट दूरी से ऐसे गया था, तो सोचिए हाफ फीट डिस्टेंस फ्रॉम द डेथ। गुरुदेव और भगवान कृष्ण का अनुग्रह से वो गोली जो इधर लगने वाला था वो इधर से गया। दैट इज द पावर ऑफ साधना। The legal system and the ecosystem does not allow to remove the word halal from a food packing system. Even if you have the food and safety standards as the ultimate sticker, we are unable to remove the halal system. But we found a system. We found a route. And I want you, everybody in this hall, to follow that route. That is called the consumer rights. In the name of consumer rights, in the name of consumer protection, I approach the government of Karnataka to issue a directive that main grahak hu, main ek consumer hu, mere ko choice nahi diya gaya hai. Jo website mein mams, chicken, mutton, फिश जो भी बेचते हैं, कंज्यूमर को एक राइट नहीं है, सिर्फ हलाल का स्टिकर है। ये मेरे को कंज्यूमर पे ऊपर अत्याचार हो रहा है, कंज्यूमर को एक इग्नोर किया जा रहा है। 10 रुपए की स्टैंप पेपर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर कोर्ट गया मैं, और यही कंज्यूमर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ऑल दी B2C बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट्स जो मांस बेचते हैं वो सिर्फ हलाल नहीं बेच सकते हैं, वो जट का मांस भी बेचना पड़ेगा, वरना ये कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन है करके एक नोटिस जारी किया। इसी नोटिस के आधार पर हमने सब वेबसाइट्स को जो मांस सेल करते हैं दिया। राजनीति के भरोसे मत रहना कि कोई राजनेता या राजनीतिक दल आपके इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना देगा। इसके लिए प्रत्येक हिंदू को जागना पड़ेगा। यदि इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और इस हिंदू के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यदि लेश मात्र भी अगर इस यज्ञ में एक छोटी सी भी आहुति अगर मेरे द्वारा लगती है तो मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं। इस महायज्ञ में हर परिवार से एक आहुति लगनी चाहिए। उसको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि मैं और मेरा परिवार भी इस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए अपनी तरफ से कृत संकल्प हूं। यदि हर एक परिवार से हमने सोच लिया तो निश्चित रूप से यह देश हिंदू राष्ट्र होगा। जय हिंदू, जय भारत।